أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم MCQ first light year is a unit of distance remember light year is the distance traveled by light in a vacuum in one year so this is the unit of distance second number MCQ the dimensional formula for Planck's constant is प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इज इक्वल टू HF से भी मालूम कर सकते हैं और ये भी याद रखिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी सेम है तो अगर आप इज इक्वल टू HF से भी मालूम करें तो ML स्क्वायर T माइनस वन बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन MCQ नंबर थर्ड द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 70 डाइंस पर सेंटीमीटर In MK system, its value is. So remember, 1 dyne, आप न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 1 dyne 10^-5 न्यूटन and 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर सो 10^-2 पर जाएगा तो 10^-5 प्लस 2 10^-3 और करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी ऑप्शन 7 मल्टीप्लाई बाई 10^-2 न्यूटन पर मीटर MCQ number 4, the dimension of kinetic energy is same as that of work because work and energy has same dimension. MCQ number 5, 1 watt hour contains how many joules? So remember, watt second joule ke barabar hota hai. Yahan par hour hai. Is hour ko humne seconds mein convert karna hoga. So 1 hour 3.6 multiplied by 10^3 seconds hai. So ye ban jayega 3.6 multiplied by 10^3 वाट सेकेंड्स एंड वाट सेकेंड को आप जॉल से रिप्लेस करें तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10^3 जॉल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन रिमेंबर इम्पल्स एंड मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 7 The equation of state for gases is P is equal to nRT, then dimension of nRT is, remember, work, अगर आपको याद हो gases में work भी PV के बराबर है pressure multiplied by volume, और ये nRT भी pressure और volume के बराबर है तो nRT का dimension work का dimension होगा और work का dimension ML square T की power -2 है MCQ number 8, electron volt is a unit of energy, which is a simple question. 9 number MCQ, the ratio of dimension of impulsive force to the electromotive force is. Remember, the dimension of force is ML, the dimension of force is MLT ki power minus 2. And the dimension of electromotive force, where electromotive force is a potential. And the dimension of electromotive force, which is a potential, is ML square, T ki power minus 3, A ki power minus 1. A means ampere. I repeat, the dimension of electromotive force M L square T ki power minus 3 A ki power minus 1. So, aapse ratio ke baare mein poocha gaya hai, to upar force ka dimension lik le, MLT minus 2, niche electromotive force ka dimension lik le, M L square T ki power minus 3 A ki power minus 1. To hamare paas aa jayega the ratio D option. T की पावर प्लस 3, A की पावर प्लस 1 एंड L की पावर डिवाइड बाय L या रेशो L ये आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली आप फोर्स का डायमेंशन को डिवाइड करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायमेंशन पे तो आपके पास ये आ जाएगा 10 नंबर MCQ व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 9 न्यूटन वेयर दे आर नॉट पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल सो इसका आपके पास आंसर क्या होगा देखिए जब भी आपके पास आ जाए पॉसिबल सम तो दोनों को सम करें 20+9 29 ये तब होगा अगर आपके पास पैरेलल हो 20-9 ये तब होगा 11 अगर एंटी पैरेलल हो और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो सो द रिजल्ट विल बी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम सो 17 29 और 11 के दरमियान लाई कर रहे हैं सो दिस इज द पॉसिबल सम ऑफ अबाउट टू फोर्सेस MCQ नंबर 11 टार्क इज ऑल्सो नोन एज अ रिमेंबर टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं एंड एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल डायनामिक्स भी हम इसको कह सकते हैं ये आपके पास डायनामिक्स ठीक है रोटेशनल
डायनामिक्स में। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 12, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजन। ठीक है, ऑरिजन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास जो है वो ऑरिजन कहलाता है। 13 नंबर एमसीक्यू, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय। सो रिमेंबर आपके पास फार्मूला है टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। सो ए वाई प्लस बी वाई ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ए एक्स प्लस बी एक्स रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। सो सी ऑप्शन, टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टू वैक्टर के बारे में बताता है। 14 नंबर एम सी क्यू, टू नॉन जीरो वैक्टर्स गिव जीरो डॉट प्रोडक्ट देन दे आर। रिमेंबर अगर दो वैक्टर्स हैं नॉन जीरो और वो आपको डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहे हैं तो इसका मतलब है बोथ आर परपेंडिकुलर। एम सी क्यू नंबर 15, विच ऑफ द गिवन पेयर हैज एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ड्रैग फोर्स एंड वेट ऑफ ड्रॉपलेट, ए क्रॉस वी एंड बी क्रॉस ए, इट मीन्स आर आर करेक्ट। तीनों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट है। ठीक है, उसके दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है। एम सी क्यू नंबर 16, थ्री बॉडीज आर ऑफ मासेज एम वन 2.2 किलोग्राम, एम टू इज इक्वल टू 10.12 किलोग्राम, दिस इज नॉट ग्राम दिस इज किलोग्राम, एम थ्री इज इक्वल टू 10.01 किलोग्राम। सो देन द सम ऑफ देयर मासेज अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपके पास जो है आंसर क्या होगा, तो एडिशन रूल आपने इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, द सम ऑफ दीज देयर मासेज, तो सम में हमने पढ़ा है कि लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन लेस प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू। सो इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें दो डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी दो डेसिमल प्लेसेस है, तो लास्ट रिजल्ट में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि डी ऑप्शन में एक डेसिमल प्लेस है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। सो टू, दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो वो आपको जीरो रिजल्टेंट देगा। एमसीक्यू नंबर 18, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन कैन बी। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 एंड 20, तो 10 प्लस 20 30, 20 माइनस 10 10। तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिए कि दो वेक्टर्स का पॉसिबल सम मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। तो अगर आप देख लें 20 माइनस 10 10 2 8 मिनिमम से कम है और 32 मैक्सिमम से ज़्यादा है। 18 मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान 10 प्लस 20 30 और 20 माइनस 10 10 इसके दरमियान आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आज ए पॉसिबल सम तो जल्दी से दोनों को सम करें, ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये मिनिमम पॉसिबल सम होगा। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल सम 20 माइनस 10 10 आता है और मैक्सिमम 10 प्लस 20 30 आता है, तो मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 10 से कम नहीं हो सकता, तो 18 मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर एमसीक्यू, 100 न्यूटन फोर्स एक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस देन एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी। रिमेंबर इफ द फोर्स एक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस देन इट्स ऑल अदर कंपोनेंट्स विल बी जीरो। सो 100 न्यूटन फोर्स एक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट कर रहे तो एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। तो एक एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई वेक्टर एक्ट करे तो उसके बाकी तमाम कंपोनेंट्स जीरो होंगे। 20 नंबर एमसीक्यू, मॉस्कीटो इज फ्लाइंग इन अ रूम हुज कोऑर्डिनेट्स आर 212 मीटर फ्रॉम सम कॉर्नर ऑफ रूम एंड मॉस्कीटो इज डैश मीटर फ्रॉम दैट कॉर्नर। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स की बने, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना लूँ तो 2 मीटर आई प्लस 1 मीटर जे प्लस 2 मीटर के यूनिट वेक्टर। तो आप सिंपली 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट करें तो 2 स्क्वायर 4, मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस्तेमाल करें ना। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। सो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 3, मैग्नीट्यूड का फार्मूला सिंपल इस्तेमाल करें। 21, कपल फोर्सेस कैन कीप बॉडी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ओनली। कपल फोर्सेस याद रखिए ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और अगर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बॉडी को रख रहा है। एमसीक्यू नंबर 22,
80,000 स्पेक्टेटर्स इन अ क्रिकेट मैच वर काउंटेड इन ग्रुप्स ऑफ 100, 80,000 तमाशाइयों को काउंट किया गया इन अ ग्रुप्स ऑफ 100, ठीक है। तो आप 80,000 को अगर 100 पे डिवाइड करें तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 8.00 मल्टीप्लाई बाई 10^4, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में तो 8.0000, लेकिन 100 तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सी आंसर। अगर 100 ग्रुप्स में हम इसको काउंट करें तो इसमें फिर आपके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी आर, एंट्रोपी का डायमेंशन क्या है? तो एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ML²T^-2, और नीचे टेम्परेचर भी है तो टेम्परेचर केल्विन, और केल्विन ऊपर आएगा तो केल्विन -1, ठीक है। एंट्रोपी का फार्मूला सिंपली इस्तेमाल करें, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज एनर्जी तो ML²T - 2, नीचे टेम्परेचर केल्विन -1। MCQ नंबर 24, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट 2.50 सेंटीमीटर एंड 12.2 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो इसमें भी दो डेसिमल प्लेसेस आएंगे और इसमें भी दो डेसिमल प्लेसेस आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप अनसर्टेनिटी इसमें भी 0.01 सेंटीमीटर है और इसमें भी 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.01 डिवाइड बाई 0.01 दिस इज इक्वल टू 1। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 12.20 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम डिवाइस से ये मेजर किए गए हैं दोनों, और अगर सेम डिवाइस से मेजर किए गए हैं तो सेंटीमीटर में दो डेसिमल प्लेसेस, 0.01 डिवाइड बाय 0.01 तो आपके पास 1 आ जाएगा। 25 MCQ, द एंगल इन रेडियन ऑफ मिनट हैंड आफ्टर 3/4 आवर। तो देखिए 3/4 आवर का मतलब है कि आप एक घंटे को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें और उसके तीन हिस्से अगर गुजर जाए तो 3/4 होगा। तो देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैं अगर उसको डिवाइड करूँ 4 हिस्सों में तो एक पार्ट 15 मिनट का आ जाएगा, 15, 15 एंड 15, ठीक है। तो इसका मतलब है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स बाद मिनट हैंड का एंगल क्या होगा? तो याद रखिए 1 मिनट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन में वो π/30 रेडियन होता है। मिनट हैंड का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो π/30 रेडियन होता है, π/30 रेडियन। तो 3/4 आवर का मतलब होते हैं 45 मिनट्स। तो 45 को आप π/30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन 3/2π। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखिए एंगल ऑफ रेडियन मिनट हैंड आपसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद, 3/4 आवर्स। तो मैंने क्या कहा, अगर आप एक घंटे को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो 15, 15, 15, 15, ठीक है, तो तीन हिस्से इससे उठा दें तो 15 × 3 = 45। तो 1 मिनट बाद जो है, 1 मिनट बाद मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो π/30 रेडियन होता है, π/30 रेडियन होता है। तो 45 मिनट्स के बाद की, तो 1 मिनट में π/30, तो 45 × π/30 रेडियन, तो ये आपके पास 3/2π आ जाएगा। MCQ नंबर 26, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 11.05 ± 0.05 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ टू रॉड्स। मतलब अगर आप दो रॉड्स को आप लगा लें, ठीक है, तो आप उसको ऐड करेंगे ना, एडिशन रूल इस्तेमाल करें, ठीक है, तो 11.05 इसको डबल करें तो 22.10, ठीक है, और 0.05 को भी डबल करें तो 0.10 सेंटीमीटर। एडिशन रूल हम इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, इसमें से तो 26 में से आंसर डी ऑप्शन आपके पास आ जाए, ठीक है। लेंथ ऑफ टू रॉड्स, एक रॉड का गिवन है तो टू रॉड्स आप ऐड करें और एडिशन रूल इस्तेमाल करें। अच्छा 27 नंबर MCQ, इन एन एक्सपेरिमेंट अ रेडियस कंट्रोल कार टेक्स 2.50 ± 0.05 सेकंड टू ट्रेवल 40.0 ± 0.1 मीटर, व्हाट इज द कार एवरेज स्पीड एंड द अनसर्टेनिटी इन दिस वैल्यू। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस भी गिवन और टाइम भी गिवन है, डिवीजन रूल आप इस्तेमाल करें, ठीक है।
तो 40 को आप 2.50 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 16.0। इसका परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करें 0.05 का, इसका परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करें, फिर उसको ऐड करें और टोटल परसेंटेज आ जाएगा। और उस टोटल परसेंटेज को उठाकर आप 16.0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.4 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करें 0.05 डिवाइड बाई 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप डिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करें 0.1 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास स्पीड में टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो आ जाए उसको उठाकर आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करें। परसेंटेज को आप किस तरह मल्टीप्लाई करें, अगर मैं कह दूँ 2% फॉर एग्जांपल, वैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो 2% मीन्स 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इस तरीके से करें तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 28 नंबर MCQ, एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ दिस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास जो है करेक्ट है, तो याद रखें परसेंटेज अनसर्टिनिटी अगर आप मालूम करें तो इसमें 3% आपके पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअल अनसर्टिनिटी 5 रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 4 0s और 5 है, ये गलत है, ये भी आपके पास गलत है, ये भी गलत है। परसेंटेज में अगर आप निकालें तो 3% आपके पास आंसर आ जाए। MCQ नंबर 29, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सिंपल है, आपको ये पुट करें, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर MCQ, इफ़ द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया ऑफ द स्फीयर इज 8%, व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन इट्स वॉल्यूम। तो देखिए, अगर एरिया में 8% है, ठीक है, पर द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया ऑफ द स्फीयर, तो एरिया में रेडियस पे 2 होता है, तो इसका मतलब है 8% फॉर 2 है। ठीक है, 4% आपके पास रेडियस में है, क्योंकि रेडियस अगर हम एरिया की बात करें तो 4πr², r पे 2 है, तो अगर ये 8% है तो 8% को आप 2 पे डिवाइड करें, 4 आ जाएगा। तो रेडियस में 4% अनसर्टिनिटी है, वॉल्यूम में 4/3πr³, r पे 3 पावर होता है, तो 3 पावर को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12% आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस में क्या आ जाएगा, 8% को आप 2 पे डिवाइड करें। हम क्यों 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि एरिया में परसेंटेज अनसर्टिनिटी 8% है। ठीक है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो 4% आ जाएगा। वॉल्यूम में रेडियस पे क्यूब होता है, तो 3 4 12% आपके पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। MCQ नंबर 31 आपके पास है, द परसेंटेज अनसर्टिनिटी 31, द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन मास एंड ईच साइड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन इट्स डेंसिटी। तो आप देखें, मास में 3% और लेंथ, ईच लेंथ में 2%, इट मीन्स ये क्यूब की बात हो रही है, तो 3 2 6 वॉल्यूम और 3% मास में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो 6% वॉल्यूम में, 3% मास में, तो 9% आपके पास आंसर आ जाएगा। 32 नंबर MCQ, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए, आपके पास ए क्रॉस सी तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि ए और सी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकता, ये भी गलत है। तो आपके पास आ जाएगा सी और ए क्रॉस बी पैरेलल होंगे, ए क्रॉस बी सी, तो ए क्रॉस बी और सी पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, नल वेक्टर होता है, ये नल वेक्टर है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 33, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी आपके पास जो है वो 0 है,
So if A dot B is equal to 0 and A cross C is equal to 0, what is the angle between B and C? तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स हमें जीरो कब देते हैं, व्हेन दे आर पैरेलल, तो इसका मतलब है A और C पैरेलल है, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब जीरो होते हैं, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, सो इसका मतलब ये होगा कि B और C आपके पास है वो भी परपेंडिकुलर है. सो B ऑप्शन इज द करेक्ट 190 डिग्री. 34 द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B एंड A माइनस B इज, तो ए प्लस बी को अगर आप ए माइनस बी के साथ ऐड करें तो बी बी कैंसिल, 2A आपके पास आंसर आ जाएगा. सिंपली आप इसको ऐड करें तो 34 में आपके पास जो है 2A आंसर आ रहा है. 35 नंबर एमसीक्यू, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट. रिमेंबर मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट. ठीक है, अगर मैं कह दूँ मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो फिर थ्री, प्लेन में टू, लेकिन अगर आपको स्पेस इस तरह बात नहीं, तो हमारे पास इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉसिबल है. 36 नंबर एमसीक्यू, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी? सो 90 डिग्री. रिमेंबर दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो रिजल्टेंट देते हैं, सो वो रिजल्टेंट वैक्टर उन दोनों वैक्टर्स का परपेंडिकुलर होता है. सो सी ऑप्शन 90. 37. The angle subtended by the vector I plus j with the x-axis is. आप सिंपल फार्मूले इस्तेमाल करें, tan inverse y component divided by x component. तो 1 divide, tan inverse 1 divided by 1 means tan inverse 1, 45 degree आपके पास आ जाएगा. 38 number MCQ, a rod of length 1.5 meter is acted upon by a torque of 100 Newton meter and rotate it by an angle of 30 degree in anti-clockwise since the worden is, remember the worden during a circular motion is a zero. So C option is the correct one. MCQ number 39. If A cross B is equal to half AB, then what is the angle between A and B? So देखिए magnitude of cross product है आपके पास, तो AB sin theta. तो वो कौन सा angle है जिस पे sin theta आपको half value देता है? 30. Sin 30 आपके पास half होता है. मैं फिर repeat कर रहा हूँ, magnitude of A cross B वो AB sin theta होता है, तो यहाँ पर sin theta के बजाय half है, तो कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है? तो 30 डिग्री. एमसीक्यू नंबर 40, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओनली इफ, रिमेंबर दिस इज पॉसिबल ओनली इफ बी इज अ नल वेक्टर. अगर बी नल वेक्टर हो तो ए इज इक्वल टू ए, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज द एमसीक्यू नंबर 40. थैंक यू सो मच.